एट्थ और टेंथ की पहले से वीडियो अपलोडेड है, अब आइए नाइन्थ पे। ये है आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल, और ये कर चुके हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई आप ध्यान से पढ़ना, मैंने तो पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताते जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रही हूँ सेमी सर्कल, तो चेक कर लो कि है या नहीं है। अब डायमीटर है और क्या दिया है, ओ ए सेवन, ओ ए सेवन ये डायमीटर है दोनों, तो ये भी सेवन, ये भी सेवन, ये भी सेवन, ये भी सेवन, ये पूरी सेवन, तो इसकी रेडियस 3.5 आ गई, ये तो पाई आर स्क्वायर लेके सॉल्व हो गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसकी रेडियस ये रही है ना, हाँ ये रही सेवन, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टू यानी पाई सेवन स्क्वायर अपॉन टू माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये 90 है, तो अब ये दोनों तो नहीं दी। यहां देखो ये पूरा है, अब जो मेरे माइंड में आ रहा है ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस ट्राइंगल का निकाल लो क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो हाफ 7 इंटू 7 प्लस हाफ, सेम है ना लॉजिक, 7 इंटू 7, इसका भी ये आ गया। अब इसमें ये दोनों साइड निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को निकाल के प्लस कर। और अगर पुराना वाला क्वेश्चन है तो यही दिमाग चलेगा, अरे ये 7 ये 7 पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लो, ये 7 ये 7 पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लो, अच्छा फिर आ गई दोनों, फिर हाफ ये 90 है, फिर वो कर दो। तो कृपया करके ऐसा दिमाग मत चला, हो गया क्लियर। नेक्स्ट, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 7 रेडियस की, ये देखो ये रेडियस 7 है, तो डायमीटर कितना हो गया 14 14 14 14 इंटू 3 कितना हो गया 42, कैलकुलेशन चेक कर लेना, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 42, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने सर्कल है 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की सबकी रेडियस सेम है, ये वाला बीच वाला पोर्शन आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, अब दिया क्या है भाई इसमें, रेडियस 3.5, किसकी रेडियस, ओ ए सी बी क्वाड्रेंट है विद सेंटर ओ, रेडियस 3.5 यानी ये दिया है रेडियस 3.5, ये चीज। और ओ डी, ओ डी कहाँ है भाई, ओ मैं क्वेश्चन गलत देख रही हूँ क्या, ये नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ओ ए बी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ ए 20, ये 20 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सिर्फ यही दिया है, स्क्वायर का एरिया तो निकल आएगा 20 इंटू 20, क्वाड्रेंट का कैसे निकलेगा 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, अब आर कहाँ से आएगी, आर तो ये है, चलिए ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर ही निकाल लेना, आर स्क्वायर का अंडर रूट मत निकालना, क्योंकि यहां आर स्क्वायर पुट करोगे तो वो रूट वाला अपने आप ही खत्म हो जाएगा, समझे, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800, तो आर स्क्वायर आ गया आपका 800, तो यहां सीधा 800 पुट कर दो, सॉल्व करना खुद पाइथागोरस थ्योरम लेके, मैं फिर बता, मतलब फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, ए बी एंड सी डी, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है जो हमने छोड़ दिया, ओ ए इसमें भी वही है सेम, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसकी सर रेडियस दी है 3.5, ये दिया है 3.5, ओ डी दी है 2, हो गया इसका क्या है हाफ 3.5 इंटू 2, इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया, इसमें यह 90 है, ये रेडियस लोगे, 2 रेडियस नहीं लोगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल,